वेलफेयर एसोसिएशन RWA या एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स यानी AOA, किसी भी नाम से आप पुकार लीजिए इनको, जिस सोसाइटी में, जिस कॉम्प्लेक्स में आप रहते हैं, वहाँ अगर एक RWA बनी हुई है तो उसका मुख्य उद्देश्य तो यही है कि वो रेजिडेंट्स के वेलफेयर के लिए काम करे। परंतु बहुत सारी अवस्थाओं में ऐसा देखने को मिलता है कि वो रेजिडेंट्स के वेलफेयर की बजाय अपने वेलफेयर के लिए काम करना शुरू कर देती हैं और मनमाने आदेश जारी करना शुरू कर देती है। द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत RWA का रजिस्ट्रेशन होता है और ये एक लीगल बॉडी है। इस पर आप भी मुकदमा कर सकते हो और ये भी किसी पर मुकदमा करने के लिए लीगली अलाउड है। RWA के लिए कोई अलग से मेंबरशिप नहीं लेनी होती। अगर आपने किसी हाउसिंग सोसाइटी में, कॉम्प्लेक्स में घर खरीद लिया है तो आप ऑटोमेटिकली उस सोसाइटी के, उस एसोसिएशन के मेंबर बन जाओगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एज ए रेजिडेंट आपके अधिकारों से अवगत कराना चाहता हूँ जो RWA या AOA के अगेंस्ट आपके पास मौजूद हैं। आप ये समझ लीजिए कि ये सिर्फ एक कानूनी रिश्ता है जिसमें आप मजबूरी में फंस गए हो। आपने एक जगह फ्लैट खरीद लिया है तो वहाँ पे एक RWA पहले ही बनी हुई है जिन्होंने अपने नियम कानून तौर तरीके चला रखे हैं और आप उनको मानने को विवश हो। जब तक वो नियम और कानूनी तौर तरीके कानून की परिधि के अंदर हैं, आपको वो मानने चाहिए एक अच्छा नागरिक होने के नाते, एक रेजिडेंट होने के नाते। पर कोई भी कार्य अगर ऐसा किया जा रहा है, कोई भी आदेश अगर ऐसा दिया जा रहा है जो कानून के विरुद्ध है और आपको लगता है कि रेजिडेंट्स के विरुद्ध है, तो आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और उस सोसाइटी के खिलाफ, उस एसोसिएशन के खिलाफ आपको एक्शन लेना चाहिए। एज ए मेंबर आपको ये राइट है कि आप अपने RWA से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कॉपी और बायलॉज की कॉपी डिमांड करें। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर आपको पूरा डिटेल में पता चल जाएगा कि आपकी RWA की क्या शक्तियां हैं, क्या पावर्स हैं, क्या क्या वो फंक्शंस करेगी और क्या उसने नियम कानून बना रखे हैं। आमतौर पर RWA के खिलाफ जो शिकायतें आती हैं, उन शिकायतों में से कुछ कॉमन शिकायतें ये हैं कि RWA अपने मनमानी ढंग से मेंटेनेंस वसूल रही है, अननेसेसरी फाइन्स और चार्जेस लगा रही है, या बिना इलेक्शन किए जो एग्जिस्टिंग बॉडी है, मैनेजमेंट बॉडी, वो कंटिन्यू करती जा रही है। इसके अलावा कुछ वित्तीय गड़बड़ें सामने आती हैं, करप्शन के एलिगेशन लगते हैं, या जो RWA का कलेक्टिव फंड होता है उसकी इन्वेस्टमेंट कर दी जाती है मनमाने ढंग से, एसोसिएशन की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ठीक से मैनेज नहीं किया जाता, किसी के मांगने पे दिखाया नहीं जाता, ऑडिट करवाना है तो ऑडिट करवाया नहीं जाता, रिटर्न्स टाइम पे फाइल नहीं की जाती, रिकॉर्ड्स टेम्पर्ड कर दिए जाते हैं या डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। कुछ केसेस में ये भी देखने में आता है कि RWA खाप पंचायत की तरह काम करना शुरू कर देती है और तुगलकी फरमान जारी करती है कि आप अपना फ्लैट बैचलर को किराए पे नहीं दोगे, या किसी दूसरे पर्टिकुलर रिलीजन के व्यक्ति को आप किराएदार नहीं रखोगे, या रात के इतने बजे नहीं आओगे, या आपके गेस्ट फीमेल या अपोजिट सेक्स के नहीं होंगे, एट्सेट्रा। एक और कॉमन मनमानी जो देखने में सामने आती है वो ये है कि अगर किसी रेजिडेंट ने मेंटेनेंस का बिल नहीं दिया, वो नाखुश है मेंटेनेंस से, तो वो बिजली पानी काट देते हैं, उसकी एसेंशियल सर्विसेज कट कर देते हैं। और कुछ मामलों में ये भी देखा गया है कि जो पदाधिकारी होते हैं उनका दिमाग सातवें आसमान पर होता है और वो बड़ी धमकी भरी या रूड लैंग्वेज यूज़ करते हैं रेजिडेंट से बात करते समय। सबसे पहला सुझाव तो मेरा ये है कि आप अगर किसी भी बात से नाखुश हैं, आप अपसेट हैं कि RWA ने ये काम गलत किया है या आपके साथ ज्यादती की है, तो आप अपनी शिकायत लिखित में RWA के प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी को दें और एक रीजनेबल टाइम पीरियड उनको दें और उनको रिवर्ट करने का मौका दें। हो सकता है कि आपकी बात को वो समझें और आपके साथ जो ज्यादती हो रही है उसका कोई सोल्यूशन निकल आए और आपको फर्दर कहीं जाना ही ना पड़े। अगर ज्यादती कुछ ऐसी है कि आपको धमकी दी जा रही है या आपको तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आप वेट ना करते हुए जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ पर भी कंसर्न्ड व्यक्ति जिसने भी आपको धमकी दी है, गाली दी है या किसी भी और प्रकार से परेशान करने की कोशिश की है या परेशान किया है, तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ और साथ में RWA के खिलाफ, दोनों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करिए। अगर वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो पुलिस FIR रजिस्टर करेगी, अदरवाइज NCR रजिस्टर की जाएगी। अगर पुलिस भी उन शक्तिशाली नेताओं के खिलाफ आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है
तो उसका एक सेपरेट प्रोसेस है। सेक्शन 156(3) CRPC में आप डायरेक्ट जो मजिस्ट्रेट है उनको भी कंप्लेंट कर सकते हो आपराधिक मामले के लिए। अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं हुआ है परंतु आपको लगता है कि आपके सिविल राइट्स का हनन किया जा रहा है, ज़बरदस्ती की जा रही है, तो आप जो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ हैं, जो भी संबंधित ऑफिस है रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ का, वहाँ पर अपनी RWA के खिलाफ फॉर्मल कंप्लेंट करिए। उस कंप्लेंट में आप बताइए कि क्या एक्शन RWA ले रही है और आपको क्यों लगता है कि ये एक्शन गलत है, मनमाना है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और रेजिडेंट्स के वेलफेयर के अगेंस्ट है। रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ को ये पूरा कानूनी हक है कि वह RWA को किसी भी ऐसे गैर कानूनी एक्शन लेने से रोक सकती है और ज़रूरत पड़ने पर करंट जो इलेक्टेड RWA है उसको सस्पेंड कर सकती है, डिसॉल्व कर सकती है और फ्रेश इलेक्शन की घोषणा भी कर सकती है। आप चाहें तो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ के बाद अगर वहाँ आपकी बात नहीं बनती या आप वहाँ जाना ही नहीं चाहते तो डायरेक्ट जिस भी ज़िले में आप हैं वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप जाइए और सिविल कोर्ट में उस RWA के खिलाफ आप केस फाइल कर दीजिए। सिविल कोर्ट ना केवल अगर आपके साथ कोई गलत व्यवहार किया जा रहा था, मान लीजिए कि आपकी बिजली या पानी काटी जा रही थी, तो उस पर स्टे ऑर्डर दे सकती है, इंजंक्शन दे सकती है, बल्कि साथ की साथ आपको जो परेशानी हुई उसके लिए कंपनसेशन का आदेश भी पारित कर सकती है। RWA ने अपने बायलॉज बना लिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ भी नियम लिख दिए और उसकी कॉपी आपको थमा दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे रूल करेक्ट हो गए। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि बहुत बार हम ये देखते हैं कि सोसाइटी कहती है कि पेइंग गेस्ट को या बैचलर्स को हम आपको टेनेंट नहीं रखने देंगे। सोसाइटी का RWA का कोई लीगल अधिकार नहीं है कि वो किसी भी फ्लैट ओनर को, अपार्टमेंट ओनर को ये बोले कि आप इसे किराएदार रखोगे या नहीं रखोगे। अगर मैं किसी फ्लैट का ओनर हूँ तो जो भी उस स्टेट का अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट है और लॉ ऑफ द लैंड है वो मुझे इजाज़त देता है कि मैं अपने फ्लैट को जिस मर्जी भारतीय नागरिक को चाहे किराए पे दूँ, वो चाहे बैचलर हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो पेइंग गेस्ट हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, हिंदू हो, दलित हो, वो कोई भी हो। RWA का कोई हक नहीं बनता लीगली कि वो किसी को ऐसा इंस्ट्रक्शन दे। अगर ऐसा इंस्ट्रक्शन वो दे रही है तो वह गैरकानूनी है। आप कोर्ट में जाइए, उस आदेश के खिलाफ अपील कीजिए, आपको कोर्ट से राहत भी मिलेगी और उस RWA पे जुर्माना भी लगाया जाएगा, आपको कंपनसेशन भी दिलाया जाएगा। इसी तरह मैं देखता हूँ कि कई RWA में जो इलेक्ट्रिसिटी और पानी के चार्जेस हैं वो मेंटेनेंस के साथ क्लब कर दिए जाते हैं, और अगर किसी व्यक्ति ने, किसी रेजिडेंट ने मेंटेनेंस का बिल पे नहीं किया, वो मेंटेनेंस से खुश नहीं है या किसी भी वजह से अगर उसने मेंटेनेंस का बिल पे नहीं किया तो वो उसे ब्लैकमेल करने के लिए, थ्रेटन करने के लिए उसकी इलेक्ट्रिसिटी और पानी को बंद कर देते हैं। ये भी कम्प्लीटली इलीगल है। अगर आपने मेंटेनेंस का बिल नहीं दिया तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी और पानी की सर्विसेज नहीं काटी जा सकती, आपकी जो रिलेवेंट मेंटेनेंस सर्विसेज है वो बंद की जा सकती हैं। इवन अगर आपने बिजली या पानी का बिल भी पे नहीं किया तो भी विदाउट एनी नोटिस किसी भी तरह का बिजली पानी का कनेक्शन करना, असेंशियल सर्विसेज को कट करना नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। आपको पहले एक नोटिस दिया जाना चाहिए, उस नोटिस में टाइम दिया जाना चाहिए। अगर आप उस टाइम ड्यूरेशन में भी वो पैसे पे नहीं करते हो तभी कोई फर्दर एक्शन लिया जाना चाहिए और वो एक्शन भी लॉ के अंडर होना चाहिए। इस तरह कोई भी RWA सिर्फ वही कार्य करने के लिए अलाउड है जो कि उस सोसाइटी या कॉम्प्लेक्स के जनरल मैनेजमेंट से या फैसिलिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड है। वो मोरल गार्जियन, मोरल डिक्टेट्स देने की कोई अथॉरिटी नहीं है और कोई भी ऐसा बाइलो वो नहीं बना सकती जो कि भारत के संविधान के अगेंस्ट हो और जो आपके लीगल राइट्स जो प्रोवाइडेड हैं उनका हनन करती हो।